हेलो गाइज, एनएसई इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। अगर आप लोग श्री माता वैष्णो देवी आना चाह रहे हैं या आने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग यहां पे किस तरह से आ सकते हैं, आज मैं पूरा ड्रिल बताऊंगा, ठीक है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे हूँ। और अगर आप लोग का बजट कम है तो किस तरह से आएंगे, यदि आप लोग का बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग किस तरह से आएंगे, वो चीज़ मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे हैं, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पे हैं, जो कि वैष्णो देवी का ही नाम है, कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से कुछ ही दूरी पर साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, देख सकते हैं। और इसी पहाड़ पे जो लाइट जल रहे हैं, यही लाइट से रास्ता है हो करके बीच में जाते हैं मंदिर में, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको कुछ ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोग कैसे आ सकते हैं। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप वंदे भारत से आ सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 शिफ्ट में वंदे भारत चलती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट की जो टाइम है वो 6 बजे से वहाँ से खुलती है न्यू दिल्ली से, और श्री माता वैष्णो देवी कटरा ये करीब 2:05 में पहुँच जाती है, ठीक है। देखिए इसमें 2 टाइप के सीटें मिलती है, एक सीसी क्लास और सेकेंड जो है ईसी क्लास को मिलता है। अब सीसी का मतलब होता है चेयर कार, जिसकी प्राइस 1665 रुपये हैं। और एक एक्सक्यूटिव क्लास जो होता है, वो एक्सक्यूटिव चेयर क्लास जो होता है उसका प्राइस 3055 रुपये पड़ता है, ठीक है। बट फर्क क्या है तो वो मैं बता देता हूँ। चेयर क्लास जो होता है सीसी, वो पूरे बोगी में एक साइड जो है 3 चेयर रहता है, एक साइड 2 चेयर रहता है, थोड़ा सा उसमें स्पेस कम होता है। और इसी क्लास जो होता है एक्सक्यूटिव क्लास, दोनों साइड 2-2 चेयर होता है कॉम्बो, जो कि उसमें काफ़ी स्पेस होता है कि उस चेयर को हम घुमा करके 180 डिग्री के एंगल पर घुमा करके हम विंडो की साइड घूम करके बाहर की नज़ारा एकदम अच्छे से देख के जा। अगर इवनिंग शिफ्ट की मैं बात करूँ तो वही ट्रेन करीब 3 बजे शाम में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलती है, और श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा यहाँ करीब 11:00 पे रात में पहुँच जाती है, ठीक है, मिडनाइट में। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ कि कितने घंटे में यहाँ पहुँचाते हैं, तो मॉर्निंग वाले जो ट्रेन है वो करीब आपको 8:05 में यहाँ पर छोड़ देगी, और अगर मैं इवनिंग शिफ्ट वाले की बात करें तो वो 8:15 लगाता है, जिससे कि इनकी किराया जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। सीसी क्लास यानी चेयर क्लास की जो प्राइस है इसकी 1610 रुपये है, और एक्सक्यूटिव क्लास यानी ईसी इसकी प्राइस 3005 रुपये है। चलिए अगर आप लोग का बजट काफ़ी कम है तो आप किसी भी एक्सप्रेस का जनरल टिकट कटा सकते हैं, जो कि आपको 400 रुपये के अंदर मिल जाएगा। अगर स्लीपर कटाते हैं तो 800 रुपये के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप अच्छे से सफ़र कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि माता वैष्णो देवी के मंदिर किस तरह से आप जा सकते हैं। देखिए इस ये जो सीढ़ी है, आप जितने भी नंबर प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो उसका ये ओवरब्रिज जो है, ओवरब्रिज से सीधे ऊपर की ओर आपको चल जाना है, ठीक है, सीढ़ियों के द्वारा। आप जैसे ही ऊपर जाते हैं वहां से आपको लेफ्ट की ओर, अगर इंजन तरफ से जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर जाना है, अगर पीछे वाला बोगी से ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको राइट की ओर जाना है। सीधी सी बात में बोलूँ तो जैसे कि जहाँ पर टिकट काउंटर है आप उसके ओर जाएँ। अभी हम एक नंबर प्लेटफॉर्म की ओर से ओवरब्रिज पे चढ़ चुका हूँ। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और इधर से जो है आप सीधे नीचे उतर जाएंगे। अब मैं सीधे आपको यहाँ से टिकट काउंटर की तरफ के लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख लें। अब देखिए सामने में ये सब माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे हैं, अब हम भी वहाँ पहुँचने वाले ही हैं कुछ ही देर में। तो मैं यहाँ से आपको चल के दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को भी इसी रास्ते से आना है, ताकि आप लोग को यहाँ आने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और मैं वहाँ डायरेक्ट आपको जाके दिखाता हूँ, और उस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो क्या क्या चीज़ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अभी टिकट काउंटर के नीचे पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट करने की व्यवस्था की गई है, मतलब यहाँ काफ़ी बड़ा स्पेस है। अगर आप लोग रात में आते हैं, आप लोग का बजट कम है, तो आप 30 रुपये का पन्नी खरीद के आप यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का बजट अच्छा है तो मैं आप लोगों के लिए होटल दिखा दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ होटल जाकर बुक करके एकदम अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। अब वो ये चीज़ आपके डिपेंड करता है बजट पे, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा ये से बाहर लेके चलता हूँ और बाहर का नज़ारा जो है किस तरह का है
अब मैं आपको टोटल चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इससे पहले भी जब वहाँ रेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिधर भी देखेंगे सब वहाँ पे अगर कोई पहले आ जाता है तो यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं आकर के, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी नहीं है, बहुत सारा जगह है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे ये बनाया गया है और एकदम साफ, किस तरह का गंदगी नहीं रहता है यहाँ पे, ताकि आप लोग यहाँ पे आराम से रेस्ट ले सके, ठीक। अब ये तो हो गया उनके लिए कि जो ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ था। तो मैं हाई बजट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ पे होटल कहाँ पे लेना है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो एक जाजिम अपने बैग में ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे पन्नी खरीदने के लिए आपको काफ़ी दूर तक जानी पड़ सकती है, ठीक है। यहाँ से आपको सभी जगह के लिए टिकट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि मोबाइल का सिम कार्ड काम नहीं करता है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ आए तो सबसे पहले एक जियो या एयरटेल का एक सिम कार्ड ले लें। करीब अगर आप श्री माता वैष्णो देवी में खरीदते हैं तो करीब 250 रुपये के पड़ेंगे, अगर जम्मू कश्मीर जम्मू तवी में खरीदेंगे तो आप वहाँ 400 रुपये में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पहाड़ जो है, उसी पहाड़ के ऊपर माता वैष्णो देवी की मंदिर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का प्लेटफॉर्म का बाहर से जो लुक लगता है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का, आप लोग देख सकते हैं कि कितना शानदार प्लेटफॉर्म की डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। चलिए अब मैं आपको यहाँ प्लेटफॉर्म भी दिखा दिया, यहाँ का जो लोकेशन है वो भी मैं आपको दिखा दिया, ताकि आप लोग यहाँ आने के बाद आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैंने किसी से प्रोमिज किया था कि श्री माता वैष्णो देवी जाऊँगा, आज मैं देखिए श्री माता वैष्णो देवी आ चुका हूँ, और यहाँ का काफ़ी नज़ारा बहुत अच्छा लगा देखने को। और स्टेशन के जस्ट सामने ही एक बहुत बड़ा तिरंगा लहराया गया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी शानदार लग रहा है। अगर आप लोग इंडिया से हैं तो प्लीज़ इस तिरंगे के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करें, आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मैं अब आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जियो का सिम लिया था, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते गए और नेटवर्क इनकी प्रॉब्लम देते गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो एयरटेल का सिम ले, और कितने भी ऊँचाई पर अगर चले जाए तो एयरटेल का यहाँ पर नेटवर्क काफ़ी तगड़ा पकड़ता है, ठीक है। चलिए मैं अब आपको आगे की ओर रास्ते प्लस होटल वगैरह सब जहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ रेस्ट करने के लिए ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, और आगे क्या क्या चीज़ की व्यवस्था है वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही निकलते हैं, यहाँ पे एक स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी चेक पोस्ट है, जो कि प्रशासन वहाँ पे बैठे रहते हैं, चाहे तो आप लोग वहाँ से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। इसी प्रशासन के चेक पोस्ट से आगे की ओर जाना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम इसी चेक पोस्ट आगे की ओर आए हैं, और सीधे आपको निकल जाना है वैष्णो देवी मंदिर की तरफ। ये जो रोड देख रहे हैं सीधे माता वैष्णो देवी इधर चल जाते हैं, ठीक है। आपको किसी साइड आपको सीधे जाना है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि सामने किस तरह जाना है। तो ज़्यादा अगर मैं रास्ता का वीडियो बना दूँ तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को संतुष्टि भी हो जाए किस तरह से है, आपको रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा और कैसे जाना है ये भी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड में आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग तो जा रहे हैं, कुछ येल्लो से राय देते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो बोलो दोस्त सब, क्या जा रहा है, क्या क्यों जा रहा है, अपना अपना कुछ इंटेंशन रहा तो बताओ। मैं ना यहाँ पे घूमने के लिए आ गए और सोचा कि ब्लॉग भी बना, तो हमारे जो नीतीश सर है वो वीडियो के थ्रू बता रहे हैं अभी कि किस तरह से जाना है और किधर किधर जाना है और कहाँ से कहाँ जाना है। आप लोग को अगर रहने की व्यवस्था है तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका बजट हाई है तो आप लोग इस होटल में रह सकते हैं, एकदम एक से एक व्यवस्था आपको मिलेगा रहने में, तो इसमें रहने की में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास हाई बजट है तो आप कोई भी रूम में रह सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है, कम से कम बजट है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं रहने की बजट कम है, मतलब आप होटल एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है जैक्सन पर ही रह सकते हैं, ठीक है। आपको कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, मतलब रेलवे स्टेशन पर नीचे पर नीचे में नहीं सोना है, तो ऊपर जैसे आप चढ़ेंगे ना, ऊपर की ओर जैसे आएंगे तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था है, जाकि आराम से एक प्लास्टिक खरीद लीजिए, 30 रुपये का एक प्लास्टिक मिल जाएगा, आप वहाँ पे सो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रूम में रहना चाहते हैं तो बहुत से वहाँ पे थर्ड पार्टी
पर्सन रहता है जो कि आपको बोलेगा रूम दिला देंगे, बट किसी थर्ड पार्टी से आपको कंसल्ट नहीं करना है, डायरेक्ट होटल वाले से कंसल्ट करना है ताकि आपका 2 रुपये बच सके, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी से करोगे तो थर्ड पार्टी जो होता है अपना कमीशन निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाना है, अभी हम जिस तरफ से आए ये सामने वाले से आए और सीधे आपको आना है, ना तो लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे गोलंबर है 0 माइल टाइप का, आपको किधर नहीं जाना है, सीधे सामने देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, बस सीधे चलते रहना है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने के बाद आपको वहाँ से पासिंग का जो प्रोसेस होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। अभी तो रुको, अभी तो बहुत क्लाइमैक्स बाकी है, देखो पहाड़ का चोटी, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बाकी चीज देखना बाकी है। अभी पर राज वाला मार डालो, कैसे जाना है, झुकेगा नहीं, रास्ते में चलेगा पर झुकेगा नहीं, इतना बड़ा सफर, चलो ऊपर तक झुकना नहीं है, ऊपर जाके झुकना नहीं है बस। चलिए गाइस, आगे का जो डिस्टेंस है वो मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। हेलो गाइस, अगर आप लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे खच्चर की व्यवस्था किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खच्चर जा रहे हैं, छोटे से वीडियो में आपको नज़ारा कुछ दिख रहा है, देख रहे हैं। अगर आप लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं तो आप इनके माध्यम से जा सकते हैं, जो इनकी भी जो भी प्राइस होता है वो आपको अलग से प्राइस इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको जाना है तो किसी तरह आप जा सकते हैं, या तो आप खच्चर से जाए या आप अपने खुद से जा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी दी गई है। मैं अभी पैदल जाने का यही रीज़न है कि आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ऑटो भी जाते हैं, बस 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा शायद, 1 किलोमीटर का जो है टोटो वाले 50 रुपये 100 रुपये 20 रुपये जैसे जिससे मन होता है वो चार्ज कर लेता है मनमानी मन, क्योंकि वो इंसान यहाँ का होता नहीं है और इसके बारे में उसको पता नहीं होता है, क्योंकि सिम वाली बात तो मैंने रात वाले वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बता देना चाहता हूँ, अगर आते हैं तो जम्मू तभी वगैरह सब में ना लें, क्योंकि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, क्योंकि जब मैं जम्मू तवी उतरे थे तो वहाँ पे मेरा नेटवर्क गायब हो गया था, पठानकोट से एंट्री किए थे तो कहीं का सिम नहीं चलता, क्योंकि ये टेरिटरी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पे अदर स्टेट का जो है सिम कार्ड नहीं चलता है। हम लोग जम्मू तभी आए थे, वहाँ पे ले लिए हमसे 350 रुपये सिम का चार्ज ले लिया, उसके बाद जो है रिचार्ज वगैरह करने का 50 रुपये, यानी टोटल 400 रुपये सिम का पड़ गया। लेकिन जब उसी चीज़ को हम यहाँ आए, कहाँ माता वैष्णो देवी, कहाँ माता वैष्णो देवी के धाम आए, तो जब उधर से अंदर की ओर आए खाना खाने के लिए, तो एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मेरा डिस्प्ले फूट गया था, तो गए थे फोन को ठीक कराने के लिए, उन्हीं बंदे से पता चला कि यहाँ सिम 250 रुपये में मिल रहा है, तो फिर मैंने सोचने लगा कि मेरे पर यहाँ से मेरे से तो 150 रुपये ठक लिया गया है। तो इसलिए आप लोग गलती ना करें, जम्मू तवी में सिम ना लें, अगर आप लोग सिम लेना चाहते हैं तो यहाँ सीधे चलाएं माता वैष्णो देवी, और यहाँ पे आपको सिम जो 250 रुपये में मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोग को बता दिए। बाकी आपका देख रहे हैं ये सब टूरिज्म करने वाले एकदम रिजर्वेशन से अपना अपना गाड़ी से आते हैं, जो कि यहाँ पे लगा करके टूर कर लेते हैं। साइड हो जाओ सर। तो यहाँ पे अगर जो इंसान ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं तो इनके मदद से, घोड़ों की मदद से, गधों की मदद से ऊपर पहुंचाया जाता है, लेकिन किसी को वो नीचे नहीं आने दिया जाता है, मतलब आ गया तो अब किसी ना किसी तरह से आपको घूमना ही है। देखिए यहाँ से चलते चलते मैंने पैदल काफ़ी दूर आ गया, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सब सुबह सुबह नहाने में सब बेस्ट है। यहाँ पे दो रास्ता, एक राइट मिलेगा एक लेफ्ट मिलेगा, और बीच में एक होटल बरो है, तो इससे क्या करना है आपको लेफ्ट की ओर जाना है, इधर ठीक है लेफ्ट टर्न लेना है। देखिए वहाँ से लेफ्ट लेने के बाद आप कुछ ही दूरी चलने के बाद आपको ये यहाँ से राइट टर्न लेना है, ठीक है। और याद के लिए आप लोग यहाँ देख लें कि साई कृपा ड्राई फ्रूट्स का दुकान है, जो कि इसी के अंदर की ओर जाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता जा रहा है, ठीक है, मतलब पहाड़ है ना, तो पहाड़ पर जो रोड बना है तो नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है। तो ये वहाँ आगे जैसे जैसे आप जा रहे हैं थोड़ा ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, चलिए आगे चल के जो भी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो जो भी होगा मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो चीज़
आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रवेश करने के लिए, पहाड़ पे प्रवेश करने के लिए वो जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड यहाँ पे बनते हैं। देख सकते हैं कि कितने भीड़ लगा हुआ है। तो चलिए मैं अंदर की ओर जा कर के आपको दिखा देता हूँ कि वो कार्ड किस तरह से ले सकते हैं और उनकी प्रक्रिया क्या क्या है, कौन सी डॉक्यूमेंट लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से जो है दो गेट है, इसमें एक एंट्री का गेट है और एग्जिट का गेट है। तो आगे की ओर जाएंगे तो आगे की ओर से आपको एंट्री गेट मिलेंगे और उसमें यहाँ पे लेडीज जेंट्स कॉमन है, मतलब कोई भी लाइन लग सकते हैं और कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि लेडीज का लाइन है अलग और जेंट्स का लाइन है अलग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों कोई भी एक ही लाइन में लग सकते हैं और इसमें लाइन की कतारें जो हैं लगभग 10 से 12 लाइनें लगाने की व्यवस्था, मतलब काउंटर है यहाँ पे, ताकि जल्द से जल्द लोगों को ये कार्ड दे सके। ठीक है, तो चलिए मैं भी अभी जाता हूँ, इसमें लाइन में लग जाऊँगा। लाइन में लगने के बाद मैं पता करता हूँ कि इसमें कार्ड लेने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं रहने पर भी देगा या नहीं देगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन में सभी लग गए हैं और देखते हैं ये मेरा नंबर कितने देर में आता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने भीड़ है, कितने लोग जो है लाइने में लगे हुए। देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे लाइने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना जल्दी आप कार्ड ले सकते हैं उतना जल्दी आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप आगे की ओर जा सकते हैं। एक बात मैं बता दूं कि कार्ड लेने के 4 घंटे के अंदर आपको माता जी से दर्शन करने के लिए निकलना है। अगर 4 घंटे की बाद हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उस कार्ड वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो 4 घंटे के अंदर आपको जाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरा यहाँ पे लगभग नंबर आने वाला है। सामने में देख सकते हैं कि काउंटर पे कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मेरा नंबर आ गया है। यहाँ पे देखिए हमसे एक आधार कार्ड मांगा गया, जो कि मैं आधार कार्ड दिया। उसके बाद हमसे एक पिन कोड, अपना एरिया का पिन कोड पूछा गया। जब मैं पिन कोड बताया तो उसके बाद बोला कि आगे आइए, सामने आइए, एक फोटो लिया जाएगा। तो फिर मेरा एक फोटो लिया, फोटो क्लिक करने के बाद जस्ट कुछ ही समय में मेरे को एक कार्ड दे दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही कार्ड दिया हम लोग कार्ड लेकर के अपना बाहर निकल गए। और उसके बाद देखिए ये भैया ने यहाँ पे फीता बेच रहे थे, मैंने इनसे फीता लिया और पेमेंट के बारे में पूछे तो बोला आप अपने मन से जितना है दे दें। ठीक है, तो 5 रुपये पीस ऐसे पड़ते हैं तो भैया को मैंने ऐसे हम दे दिए 20 रुपये। ठीक है, चलिए हम लोग ये फीता को अपने सर में बांध लेते हैं। उनके बाद जो है बांधने के बाद यहाँ से एक बोलता है कि लाठी, लाठी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई पर अगर चढ़ेंगे तो फिर अगर किसी तरह की परेशानी होता है, नहीं चढ़ पाते, तो आप लाठी की मदद से हेल्प लेकर के आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, हमें तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी इमरजेंसी कोटा के लिए ले लेते हैं, क्या पता आगे चल के ज़रूरत पड़ जाए। तो चलिए यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ खरीदते हैं तो आपको 20 रुपये पीस पड़ेंगे, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद अगर खरीदते हैं तो आपको 10 रुपये पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के पे डिपेंड करता है अगर आप लोग यहाँ खरीदना चाहते हैं या आगे खरीदना। चलिए मैंने यहाँ खरीद लिया, 3 लाठी लिया और 3 लाठी का यहाँ पे मेरा 60 रुपये पड़ गया। 60 रुपये इनको दे दिए। चलिए मैं अब लाठी भी ले लिया, फीता भी ले लिया, कार्ड भी ले लिया। अब मैं यहाँ से आगे की ओर निकलने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट जहाँ पे हम लाठी लिए जिस जगह पे, वहीं से एक सीधे अंदर की ओर रोड गया है, जो कि उसी रोड के सीधे आपको जाना है, जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसी रास्ता से होकर के मैं जैसे जैसे जाऊँगा, और वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर ये रास्ता देख लेते तो कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सीधे माता वैष्णो देवी से दर्शन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की ओर बता देता हूँ कि अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर में पानी की व्यवस्था भरपूर है। मैंने किसी से पूछा था तो बोला पानी का कभी काफ़ी दिक्कत होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपको पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पे किया गया है फ्री। ऑफ कोर्स वाशरूम भी ऊपर है, पहाड़ पे ही बनाया गया है, जो कि जिस रास्ते से आप लोग जाएंगे उसी रास्ता में आपको पहाड़ पे दिखेगा कि वाशरूम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर से भी हमेशा आते जाते रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ से पूरा पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, बाकी बात तो दिखाएंगे। पहली बार आया है, दूसरी बार आया है, चलते हैं। देख ला, सब अभी से बूढ़े हो गए हैं। पहली बार आया हूँ, यहाँ मजा नहीं रहा, ऊपर के आपको दिखाता हूँ। 10-10 की है, ओ माय गॉड, पता नहीं था हमें।
हेलो गाइस, यहाँ पे जो है अंदर की ओर अगर लाइट परचेज करते तो 10 रुपए का लाइट ही मिल जाएगा। हम लोग हर जगह ठका रहे हैं, लूट रहे हैं ना। ऐसे ऐसे जब सिम लेने गया था ना तो मैं दो ही लड़के गए थे, आगे वाले तो 400 रुपये वाले बताए तो शायद मेरी टीम ने, दो और लड़के थे, बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि 400 में लिए हैं। तो अभी पता चल रहा है इनको भी कि जितना जितना आगे जा रहे हैं उतना थोड़ा सस्ता मिल रहा है। जाते जाते रास्ते में एक भगवान शिव का मंदिर मिला है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, श्री चिंतामणि मंदिर ट्रस्ट कटरा। चलिए इसके अंदर मैं जा कर के आपको दिखा, आप लोग भी देख सकते हैं श्री चिंतामणि मंदिर है और इनके अंदर किस तरह का व्यू है, मैं सारा आप आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कितना भयंकर है। और भगवान शिव का ही मंदिर नहीं, इसमें और राधा कृष्ण की भी है, बजरंगबली और बहुत सारे भगवान की मूर्तियां हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इधर नज़ारा है। और आगे इनके आगे जाएंगे थोड़ा सा इसी कंपार्टमेंट के अंदर में तो बहुत सारे मूर्ति भी हैं। अब देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है इनके अंदर बहुत सारे भगवान का मूर्त बना हुआ है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए इस सामने वाला जो है, यहाँ पे यज्ञशाला जो लिखा हुआ है, दान पेटी जो लिखा हुआ है, इनके अंदर जो है भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। ये मूर्तियाँ जो है एकदम पत्थर की बनी हुई है, मार्बल पत्थर की बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। जस्ट इस मंदिर के सामने में जो एक और मंदिर है उनके अंदर भी बहुत सारे मूर्तियां हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए उसके जस्ट सामने में जो है यहां पे कितनी सारे भगवान की मूर्तियां हैं जो कि हमें बताना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इनके अंदर है और अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और जस्ट आगे में गेट के आगे में भगवान शिव का यहाँ पर जो दिया गया है बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। ये भी व्हाइट मार्बल उजला मार्बल का बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। चलिए जैसे ही मंदिर से निकलेंगे यहाँ से लेफ्ट की ओर चलेंगे, चलिए अब यहाँ आगे की ओर चलते हैं, आगे देखिए क्या क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब पहाड़ के नीचे मतलब जो माता वैष्णो देवी के ऊपर जाने की ओर जो रास्ता है उनके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से आगे की ओर माता वैष्णो देवी पहाड़ पे चढ़ने की रास्ता होता है जो कि हम इसी गेट से अंदर की ओर जा रहे हैं और यहां से आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। देखिए आगे सामने में जो है माता वैष्णो देवी का जो पहाड़ है वो ऊपर की ओर जाना है, बट यहाँ से देखिए अभी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से का रास्ता है और रास्ते में कितने भीड़ है और क्या क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल स्टोर सब दुकान सब है बहुत से खुले पैसे लेकर के यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो क्यों रहते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप पहाड़ पर चढ़ेंगे तो बहुत से मतलब दान करने की ज़रूरत पड़ते हैं, तो आप लोग यहीं से खुला रुपया ले लें ताकि आगे आप परेशानी ना हो, ठीक है। ऊपर जाने की वजह पहले नीचे जाना पड़ता है, नीचे जाने के बाद जो है उसके बाद फिर से ऊपर की प्रक्रिया शुरू होगा। अगर जो व्यक्ति चल नहीं पाते हैं वो उनके लिए इनके व्यवस्था की जाती है जो कि आप कार्ड बनाने वक्त ही बुकिंग किया जाता है इनका, ठीक है। तो बुक करवाने वक्त ही आप इन खच्चरों के द्वारा मदद से जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पावर है वो भगवान कृष्ण का जो ये वाला जो अवतार था वो भी यहाँ पे दिया गया है। कुछ बहुत सारे यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो मैं एक भी चीज़ आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारा चीज़ मैं दिखाऊँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रूर से ज़रूर आप देख रहे हैं ऊपर में जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ अभी मैं जा करके दिखाऊँगा, अभी नहीं मतलब जाने में जितने भी टाइम लगेगा वो चीज़ मैं आपको लास्ट तक अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे जा करके आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग रास्ते। ये यहाँ का माता वैष्णो देवी का मार्केट है, अगर आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ का नज़ारा है, हर चीज़ सुविधा है, बहुत चीज़ यहाँ पे व्यवस्था है, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है भाई, वो मैं आगे बताऊँगा। टर्न लेना पड़ेगा, देख सकते हैं इधर से ही यहाँ से टर्न लेते हुए कुछ इधर बैक की तरफ जाना है आपको। हाँ इधर से ही जाता है, शायद इधर से ही रास्ता है,
देख सकते हैं ऊपर से उतरना है, ऊपर से उतर करके आपको इधर जाना है, इधर से टर्न लेना है, टर्न लेते हुए इधर से आपको जाना है आगे। देखो नेक्स्ट टर्न आता है तो फिर मैं वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टर्न लेने का है। ये तो नीचे ही जा रहे, ऊपर कब? ये तो पहले नीचे ही जा रहे हैं, नीचे से ही जाना पड़ेगा। बताइए यहाँ पे 50% ऊपर थे लेकिन 50% ऊपर से नीचे का लेकर आया। यहाँ पे कुछ मंदिर है जो कि ये बोल रहा था कि नीचे से घूमने का है, यही है लगता है फिक्सिंग पॉइंट, यही है गेट। हाँ मेन गेट जो है सामने आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, फ्रिस्किंग पॉइंट जो है शायद वहीं पे कार्ड वगैरह सब चेक होगा। चलिए आगे जाकर के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन लगा हुआ है जो कि पहले कार्ड जो है एकदम चेकिंग होगा। मजा आ गया, बोल रही है जय माता दी। चलिए यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है पुरुष सामान सहित, मतलब महिला पुरुष जो भी है अपना सामान साथ में लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्टर मशीन लगा हुआ है जो कि सभी का सामान चेक होता है। ठीक है, इसे फिक्सिंग पॉइंट कहते हैं जो कि लास्ट मेन गेट यही है। यहाँ से एंट्री होने के बाद माता वैष्णो देवी की जो अंदर की ओर जो प्रवेश करते हैं वो गुफा आप पहुँच जाएँगे, तो उससे पहले आपको यहाँ पर बैग जो है डिटेक्टर मशीन से चेक किया जाएगा और खुद को भी डिटेक्टर मशीन से चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि बैग देखो किस डिटेक्टर मशीन में रखा जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपना बैग को रख दें और बैग रखने के बाद जो है आप उस पार जा करके अपना बैग को जो है कलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही आप इस पार आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप गुफा के ओर प्रवेश कर लिए, मतलब गुफा नहीं है, एक ब्रिज टाइप से बना हुआ है जो कि पहाड़ के काट करके रास्ता बनाया गया है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। चलिए यहाँ से करीब आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा और किस तरह से जाना है चलिए मैं आपको अभी जा करके दिखाता हूँ। ठीक है, पूरी रास्ता को नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे देखो उनके बाद एंट्री। यहाँ पे बाण गंगा प्राचीन मंदिर है जो कि यहाँ पे बहुत सारा है, देखते हैं। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है सेल्फी सब लेने के लिए, आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। बाकी बात तो एक से एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे एकदम डेग डेग पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, सेल्फी ले सकते हैं। बहुत सारे मूर्तियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी चढ़ते जावा लोग कहे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सब भी बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वालो जय माता दी, पीछे वालो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सब कोई बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। टर्न पे टर्न मिल रहा है रास्ता आगे जाए, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रास्ते में बहुत सारे मंदिर एवं मूर्तियाँ मिलेगी, अंदर का इंतजार हो सकता है, अंदर की सिंगजा अपने को उसी पॉइंट पे जाना है, लास्ट में जो आपको दिख रहा है तो नीतीश सर फिर चलते रहना है। जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। हम जा रहे हैं पहाड़ों हम सब तो आए नहीं। वाह चलिए आप यहाँ ऐसे नीचे थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं जहाँ थोड़ा दिन पहले थे आए, इधर है पहले। अच्छा चलो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ से रास्ते में जाते हैं अगर टॉयलेट वगैरह सब करना हो यहाँ से टॉयलेट भी कर सकते हैं। हम लोग जो आए थे वहाँ से आए थे, हाँ
दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आजे लौट जा, आजे लौट जा, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता की, जय माता दी, 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 जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी। यहाँ पे देख लीजिए आप। फाइनली गाइज हम लोग श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच गए हैं। यहां से कुछ ही दूरी पे है जो कि आगे से लाइन लगने वाला लगा हुआ है। और ये जो अभी देख रहे जगह, जितने भी बैग वगैरह सब जो है, जो भी सामान आप लाए हैं, आपको इन्हीं बीच में रखना है। वो यहां पे तो कहीं होटल वगैरह सब भी नहीं है, लेकिन यहां पे लॉकर की रखने की व्यवस्था की गई है, जो कि आपको एक टोकन मिलेगा और लॉकर की मतलब चाबी दिया जाएगा, ताकि आप लोग उधर से रिटर्न हुए तो अपना बैग सुरक्षित ले सके। ठीक है, बाकी बात तो अगर वहाँ नहीं रखना चाहते तो
यहीं पे प्रसादी वगैरह सब जो बेचते हैं उन्हीं दुकान में आप जिनके यहाँ से प्रसाद ले उनके यहाँ भी रख सकते हैं बैग एकदम सुरक्षित। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिफ्ट वगैरह का जो है टिकट कटता है, जो कि लाइन में जो लगा हुआ है वो लिफ्ट के लिए टिकट कटाने के लिए है। लिफ्ट नहीं, वो जो होता है ऊपर की ओर जो जाता है, जैसे कि यहाँ से काफ़ी दूर आ जाते हैं श्री वैष्णो माता, यहाँ मंदिर से दर्शन करने के बाद अगर काल भैरव बाबा के पास यहाँ से लगभग 3000 सीढ़ी या ऐसे कुछ 300 सीढ़ी ऊपर है, जो कि वहाँ जो दर्शन करने जाएंगे तो नहीं जा पाते हैं बहुत लोग, तो वो क्या करते हैं यहाँ से जो केबल वाला जो लिफ्ट चलते हैं उसका टिकट कटा करके वो लोग ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ से टिकट कटा के जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लगे हुए हैं ये श्री माता वैष्णो देवी से दर्शन करने के लिए ये लाइन लगे हुए हैं। ठीक है, आगे की ओर जो है ना तो फ़ोन जाने देगा, ना तो कोई बेल्ट को, ना तो कोई हाथ में जो पहने हुए हैं वो चीज़, कोई भी चीज़ अंदर की ओर एंट्री नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेक्टर मशीन लगा हुआ है और चेक करने के लिए यहाँ पे कमांडो वगैरह सब भी है। आगे जा करके मैं आपको सारा चीज़ दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए बैग ले करके जा रहे हैं, लाइन में लग गए हैं, बट देखते हैं बैग ले कर जाने देता है कि नहीं। जैसे ही एंट्री गेट के पास पहुंचे तो वहां से हमें रिटर्न कर दिया गया। तब जा कर के मैं फिर जहां से प्रसाद खरीदे थे उसके यहां बैग जूता वगैरह सब जो भी मेरे पास सामान था, फ़ोन वगैरह सब सारा चीज़ वहां पे मैंने सबमिट कर दिया। उनके बाद फिर से मैं एक फ़ोन लेकर के लाइन में लग गया। ठीक है, तो सोचे चार बंदे थे मैं, तो तीन दर्शन करेंगे, एक बाहर रहेंगे फ़ोन लेकर के, फिर वो तीन आ जाएंगे तो फिर एक जाएंगे। ठीक है, इसके इस अनुसार से मैंने अपना फ़ोन ले लिया था, उसके बाद जो है फिर से मैं लाइन में लग गया। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लोग को दिखाना था, तो इसलिए मैं मजबूर था कि हमें कैमरा लाना बहुत ज़रूरी था। अगर कैमरा नहीं लाते तो आप लोग को मैं ये वीडियो दिखा नहीं पाता, क्योंकि आपको ये वीडियो किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं देख कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा मंदिर का। इसी मंदिर के अंदर माता वैष्णो देवी का निवास स्थान है, जो कि यहाँ पर बहुत दिनों से सभी लोग आते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गुफा मंदिर है जैसे ही प्रवेश किए कितना खूबसूरत मूर्त यहाँ पे है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। चलिए अब लोग जो अब जो है श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मैं गुफा में प्रवेश कर गया हूँ, और ये एकदम अंतिम गुफा है जो कि यहाँ से कुछ ही सेकेंड में वैष्णो माता को दर्शन कर हो जाता है। ठीक है, जो कि अब हम करने वाले हैं। चलिए हम लोग श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करके बाहर निकल गए, क्योंकि उस चीज़ को दिखाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं उस चीज़ को दिखा नहीं पाया। और अभी देखिए श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करके मैंने बाहर आ गया। यहाँ पर एक शिव गुफा है, जो कि मैं आपको शिव गुफा के बारे में बता देता हूँ और जा कर के लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग आएँ तो वहाँ से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप शिव गुफा का भी दर्शन कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ से सीढ़ी से नीचे आएंगे, थोड़ा ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे गुफा मिल जाएगा अंदर की ओर, जो कि यहाँ पे एक शिव गुफा लिखा हुआ है और इनके अंदर जो है भगवान शिव की मूर्त रखा गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लें कि किस तरह का है ये गुफा के अंदर है। ये जो पानी आ रहा है एकदम कंचन पानी है, जो कि भगवान शिव के जाटे से निकलते हैं। तो यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सब लोग यहाँ पे शिव गुफा का दर्शन करने आते हैं, तक जो कि मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग आए तो एक बार यहाँ दर्शन कर जरूर करें। देख सकते हैं मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट देख सकें। चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ स्पष्ट दिखा दिया, फिर भी मैं कोशिश तो करता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग देख सकें। चलिए अब आप लोग देख लिए, तो अब मैं यहाँ से बाहर की ओर जाने की कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने।
देखिए माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद शिव गुफा का दर्शन हो करना चाहिए। उनके बाद जब शिव गुफा का दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद भैरव बाबा का दर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, भैरव बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी देखिए श्री वैष्णो देवी माता का दर्शन करके आए तो यहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह सब जो है पंचमेवा वाला जो है बिकता है, तो आप लोग खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी बात तो आप, चलिए हम आपको बाहर ले चलते हैं। देखिए अभी जो हम लोग गुफा में जो घुसे थे दर्शन श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, वो जो है यही मंदिर है जो कि इतना वाइट वाइट कलर का जो है एकदम चमकीला मंदिर है। इन्हीं के बीच में बीचों बीच में श्री माता वैष्णो देवी का मूर्त था जो कि दर्शन करके अभी हम लोग आए हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे श्री मतलब भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ से दर्शन करके फिर नीचे उतर जाऊँगा। मम्मी मैं मंदिर पहुँच गया। हेलो गाइस, ये है श्री, आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे। नहीं, ये तो मैं जानता हूं, ये तो पहाड़ है। रास्ते चेंज हो गया। यही नहीं जाएगा, लास्ट सीरीज है वो। यही लास्ट है, पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, यही लास्ट है, यही लास्ट है। पता चलता लाइन में भी लगे रहते हो ट्रॉली का नंबर। मम्मी ये मिल गया हम लोग को। आय हाय, ओय ओय ओय, मधुपति मधुपति मौका मिले कदी 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 या कभी कभी कदी कदी। हेलो यार, अरे आ गए लगा हुआ, पहुंच गए मौका मिले कदी कदी। ऊपर आ गया, धरती पे से पहुंच गया। आराम से बुलाई बड़ा।
हल्ला क्यों हो रहे हैं? ए हल्ला मत कर। हेलीपैड भी बहुत नीचे है यहाँ से। Thank you.
पीछे हटो। यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भैरव बाबा के मंदिर के अंदर की ओर जाने की रास्ता है, जो कि यहाँ पे मेन गेट पे ही बोर्ड लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं श्री भैरव मंदिर। तो चलिए इन्हीं के अंदर से मैं ये मंदिर प्रवेश करता हूँ और अंदर जा कर के आपको दिखा देता हूँ। भैरव बाबा का जो है दिखाने का एलो नहीं है, तो वो मैं चीज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन वहाँ का जो विभूति वगैरह सब जो होता है वो चीज़ मैं ज़रूर दिखा दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से विभूति ले के ही जाएँ, क्योंकि यहाँ प्रसादी के तौर पे विभूति को ले के जाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर भैरव बाबा का दर्शन करने आते हैं तो भैरव बाबा का दर्शन करके आप लोग विभूति ले लें, और वो विभूति कहाँ पर मिलेगा आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने घर की ओर रवाना होऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरने का जो है मैं एक शॉर्ट रास्ता बताया हूँ, ताकि आप लोग चंद सेकेंड में नीचे, मतलब कम से कम समय में और कम से कम दूरी में आप नीचे उतर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा उतना सफ़र चढ़ने में तो बहुत लंबी सफ़र करके आए हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में उतरने का एक शॉर्ट रास्ता मैंने बताया है, ताकि आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आसानी से सीढ़ी के माध्यम से आप नीचे उतर जाएंगे, जो कि आपको 10 से 12 घंटे चढ़ने में लगा, आपको उतरने में मात्र 2 घंटे लगेंगे, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इस शॉर्ट रास्ता से उतरने में। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और पूरे उतरने का भी वीडियो आप लोग देखें, ताकि आप लोग आसानी से उतर सकेंगे। ठीक है, शॉर्टेज रास्ता से। चलिए अब मैं भैरव बाबा का दर्शन करता हूँ, दर्शन करने के बाद फिर नीचे उतरने की रास्ता ढूंढेंगे और शॉर्टेज रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे जो उतरने में जो टाइमिंग लगा था मुश्किल से 1.5 घंटे हम लोग को लगा था, और आप लोग अगर थोड़ा सा नॉर्मली भी चलते हैं तो मुश्किल से 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको उतरने में लगेंगे, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। जो रास्ता मैंने बताया है उसी रास्ता से आप लोग अगर उतरेंगे तो। ठीक है, चलिए आप लोग जो है, हम लोग जो है यहाँ भैरव बाबा के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सब जा रहे थे, तो थोड़ा सा सोचे कि हम लोग इन लोग का भी कवर कर लूँ, तो देख सकते हैं कि कितना एंजॉय ले रहे हैं सब आसपास के भी। तो चलिए, इसके आगे जो है यहीं पे मंदिर है, जो कि यहाँ पे कैमरा चलाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए कैमरा को बंद करूँगा, ताकि किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही यहाँ से दर्शन करके मैं आगे की ओर जाऊँगा तो मैं बता दूँगा कि विभूति कहाँ पर लेना है। चलिए अब मैं कैमरा को बंद करता हूं और विभूति की तरफ चलते हैं दर्शन करके। देखिए, दर्शन करके मैं आगे की ओर बढ़ा, तो यहां से जो विभूति है आपको लिखा होगा विभूति आगे की ओर मिलता है, इसे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वहां पे विभूति मिल जाएगा। ठीक है, अगरबत्ती वाले भस्म को विभूति बोला जाता है। ठीक है, चलिए सारा चीज़ मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ से नीचे उतरने के लिए प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए किस तरह से हम लोग उतर रहे हैं, किस रास्ते से उतर रहे हैं,
उस रास्ते से ही आपको उतरना है और कम से कम समय में और कम से कम दूरी तय करके आप लोग भी उतर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि किधर से जाना है, जिधर जिधर से मैं जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लें और अच्छी तरीका से आप लोग कम समय में उतर जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग दौड़ के चढ़े भी थे और दौड़ के मैं उतर भी रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। मुझे तो 1.5 घंटा लगा था उतरने में। आप लोग को अगर पैदल चलते हैं तो कितना भी पैदल अगर स्लो चलेंगे ना, तो अगर इस रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से मैंने आपको बताया है, तो करीब आपको 2 से 2.5 घंटे में उतर जाएंगे। जो कि चढ़ने में आपको 10 से 12 घंटे लगे थे, वो आपको उतरने में मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उतरने की जल्द से जल्द कोशिश करें, ठीक है। चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग आसानी से नीचे उतर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ से एकदम दौड़ते हुए मस्ती से उतर रहे हैं, हमें कोई फील ही नहीं हुआ ना चढ़ने में। हेलो गाइस, हम तो 50% रास्ता आ रहे हैं मेरे दोस्त। हेलो गाइस, अभी रात नहीं हुआ है, होने वाला है। ए सर जी, अगर वीडियो बना मस्त। कौन वीडियो बोल? ए देखो अभी केना वीडियो है ना, लगे ना देख ले पड़ू। अरे 20 मिनट आज पाबी रात जॉइंट करो द ओवर ले। मम्मी मैं तो घूम के चल आई। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कस के बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। चलो चलो चलो, जम्मू का जाओ सारे वहां सीढ़ियां खत्म। जोर से बोलो, आप लोग कस के बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा फिर वीडियो में। यहाँ पे बांधने से सबका मनोकामना पूरा होता है, अपने अपने पट्टा खोल के इस यहाँ पे बांध देते हैं। पैर दर्द कर रहा है, एक बार नाम लीजिए और ऊपर चल जाइए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तुम्हें भी कुछ चाहिए बाबू? जय माता दी। रात हो गई, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता, सारे बोलो, मजा नहीं आ रहा। ऊपर जाने का एक बड़ा जादू, दौड़ के जाइए, जल्दी पहुंच जाइएगा। जय माता बोलते हुए, जय माता दी, जय माता दी। मार्केट आ गया, मार्केट आ गया। हाँ जी, माता दी, जोर से बोलो, जय 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 माता दी। लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा फिर। जोर से बोलो, जय माता दी, 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 जोर से बोलो, जय माता दी। कस के बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। चलो मजा आ गया, जोर से बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो। आप लोग बोल नहीं रहे, जोर से, मजा नहीं आ रहा। जो बात नहीं मानता, जोर से बोलो, जय
माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी, आप लोग बोलते नहीं मत। जय माता दी आपने जोर से बोलो। अरे बोलना जल्दी पहुंच जाएगा। जय माता दी, जोर से बोलो। 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 चाचा 1 मिनट पीछे आओ सबको, पीछे सब आओ एक तरफ से, धीरे धीरे। जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। घोड़ा पर जब चलोगे वो नहीं है बोलिए था जा रहा तो। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। 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 जय माता दी। 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 जोर से बोलो। सारे बोलो। जय माता दी। 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 जोर से बोलो। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जय माता दी। 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 जोर से बोलो। 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 जोर से बोलो। जय माता दी। 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 सारे बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से 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 बोलो। अब आप बोलो।
जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। कोई बोल नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। अब बोलो जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो जय माता दी। जोर से 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 बोलो सारे बोलो। अरे श्री आपको जय माता दी। जोर से बोलो 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 सारे बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जोर से बोलो सारे बोलो। जोर से बोलो सारे बोलो जोर से बोलो। और जोर से बोलिए, मजा नहीं आ रहा। बोलो जोर से 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 बोलो। जोर से बोलो जय माता दी। 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 जोर से बोलो 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 जोर से बोलो। आप लोग बोलिए, मजा नहीं आ रहा।